हम क्या कर रहे हैं इस चीज को ऑन स्क्रीन पहले ले रखा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसमें जैसे ऑन स्क्रीन है हम लोग इसको ब्लॉक करते हैं ना, यहाँ से ऑन स्क्रीन एक्टिव होगा। हम लोग कलर के बारे में बताया था एंड इसके बारे में बताया था, तो हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक, जो जिसको कुछ भी नहीं आता है वो स्टार्ट कर सकते हैं ना। सो हम लोग का थर्ड क्लास है आज। सो हम लोग बेसिकली आज क्या सीखेंगे, ग्राफिक बनाना, मूवी क्लिप बनाना एंड ग्रूव एंड ब्रेक मोड पे क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ देखो, ये पूरा ब्रेक में है, ठीक है। इसका हम लोग कलर ब्लैक कर देते हैं, स्ट्रोक कलर, ठीक है। इसको हम लोग ऑल्ट के साथ कर सकते हो, अदरवाइज कंट्रोल डी भी कर सकते हो। इसको हम लोग कंट्रोल जी के साथ ग्रुप बना देंगे, ठीक है। अगर आप चाहे तो जे के साथ शॉर्टकट है, जो कि आपका ग्रुप बन के आएगा डायरेक्ट, ठीक है। ये भी एक जे करके प्रेस करोगे तो बन के आएगा, ठीक है। देखो ये बन के आ गया, तो ये आपका बन के आ गया जी। देन हम लोग इसी का डुप्लीकेट लिया ऑल्ट के साथ, इसको हम लोग एफ एट करेंगे, इसका हम लोग नेमिंग करेंगे, कुछ भी नेमिंग दे सकते हो, और इसको ग्राफिक करेंगे, सेंटर लाइन करेंगे। ये चीज़ जो है आपको सेंटर में देने का, ये पॉइंट्स जो है हम लोग चेंज कर देंगे तो साइड में करेगा, इस साइड तो इस साइड में, इस साइड तो सेंटर में रखोगे तो सेंटर में आपको ये करेगा, देन ओके कर देंगे। तो ये हम लोग ग्राफिक बन गया, ग्राफिक के अंदर जाके भी आप एनिमेशन कर सकते हो, तो इसके बारे में मैं बताऊँगा आगे। सो इसका डुप्लीकेट किया, इसको भी ब्रेक किया है ना, कोई भी चीज़ ब्रेक करने के बाद ही करना जाता किया जाता है। इसका ग्राफिक हो गया, इसको मूवी क्लिप किया, ओके किया। तो ये क्या ना, आपका सारा एक ग्राफिक हो गया, एक मूवी क्लिप हो गया, एक हो गया नॉर्मल जो ग्रुप में आता है, एक कंट्रोल जी करके और एक ब्रेक में, ठीक है। और एक चीज़ है, इसका हम लोग ब्रेक किया कंट्रोल F8, इसको हम लोग किया बटन, बटन में होगा, बटन में आपका अलग ही स्टाइल दिखेगा उसका, ठीक है। तो बटन हम लोग एक्चुअली बनाना होता है स्क्रिप्टिंग बेसिस पे, कोई मतलब प्लेयर्स बनाता है या कोई सॉफ्टवेयर, कोई मतलब जैसे किसी चीज़ को हम लोग रन कराने के लिए जो उसको प्लेयर्स बनाते हैं, उसमें बहुत सारा चीज़ फंक्शनलिटी होता है, तो उसको एक्टिव करने के लिए बटन्स बनाया जाता है। बटन्स के साथ स्क्रिप्टिंग किया जाता है जो कि उसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। और वो एक्टिव हो जाता है कि हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो प्ले होगा, देन इसको थोड़ा बढ़ाएंगे तो साउंड बढ़ेगा, जो भी चीज़ है आपका ओवरऑल उसमें बटन के थ्रू काम किया जाता है, ठीक है। वो तो बटन का काम हो गया, स्क्रिप्टिंग में चलो करते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग का इतना डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सर्कल बनता है। तो हम लोग अभी बेसिक चीज़ देखेंगे, सर्कल के एनिमेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली ये सर्कल लिया, हम लोग इसको पहले ब्रेक बना देंगे, कंट्रोल F8, ग्राफिक सर्कल, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर गया, इसको हम लोग थोड़ा सा 30 फ्रेम में बढ़ा दिया, देन इसको हम लोग F8 करके इसका सिंबल बनाया पहले फर्स्ट, देन हम लोग इतना एनिमेशन चाहिए, इतना चाहिए, ठीक है, इतना ये गिया, देन रिटर्न, ओके। सो क्रिएट मोशन ट्यून, ये गिया आया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखो कोई चीज़ नहीं दिख रहा, हम लोग अगर रिमूव भी कर सकते हैं इसको सिलेक्ट करके, राइट क्लिक, रिमूव क्लासिक ट्यून, रिमूव हो गया। तो हम लोग ये पता चल जाता है कि हाँ, इसके थ्रू हम लोग इसको पता लगा सकते हैं कि ये फ्रेम कहाँ पे है। तो हम लोग देखना होता है कभी कभी, पहले का फ्रेम देख सकते हो आप, ठीक है। तो पहले का फ्रेम अगर देखना चाहते हो तो इसको हम लोग ऑन कर देंगे, अगर हम लोग लास्ट वाला फ्रेम को भी देखना चाहते हैं तो ये भी हम लोग देख सकते हैं। लास्ट वाला फ्रेम क्या ना, हम लोग यहीं पे है तो इसलिए हम लोग इसको देख पा रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो पता लग जाएगा। देखो लास्ट वाला फ्रेम यहाँ पे है ना, इसका पीछे वाला फ्रेम यहाँ पे है, आगे वाला यहाँ पे है, ठीक है, और पीछे वाला ये यहाँ पे है, इसको पता लग जाएगा। तो हम लोग जस्ट सिलेक्ट करके क्रिएट मोशन ट्यून कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम लोग अगर मोशन इसको हम लोग हटा देंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करोगे तो हट जाएगा, ठीक है। बट ये थोड़ा सा ना इस रिकॉर्डर की वजह से वो एक्टिव काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ये हो गया आपका मोशन में, ठीक है। आप इंटर करोगे तो पता चल जाएगा, देखो ये एनिमेशन हो रहा है। अब इसमें स्लो एंड स्लॉट भी बता दूंगा, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल में आता है, वो भी जब प्रिंसिपल का स्टडी करवाएंगे तब बताएंगे, 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन जो होता है, तो उसमें एक एक करके हम लोग चीज़ों को क्लियरिफाई करेंगे, एनिमेशन प्रिंसिपल का, 12 प्रिंसिपल को, ठीक है। उससे पहले हम लोग बेसिक चीज़ को क्लियर करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मोशन ट्यून, ठीक है।
ओजोन ट्यून हो गया। अब हम लोग इसको बाहर जाते हैं सिंबल के अंदर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखो, प्ले हुआ 30, प्ले हुआ रुक गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल F3 करते हैं, कंट्रोल F3 किया। सो कंट्रोल F3 करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखो प्ले कर दिया, प्ले रिपीट। अगर हम लोग यहाँ से कंट्रोल इंटर करेंगे ना, तो ये बार बार प्ले होते रहेगा, ठीक है, बार बार होता रहेगा जब तक हम लोग इसको कंप्लीटली उसको सिंगल प्ले वन नहीं करेंगे तब तक, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखो प्ले वन कर देंगे, तो एक बार प्ले होके बंद हो जाएगा। प्ले होके बंद क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये देखो ये प्ले हुआ और हम लोग दो सिंबल के अंदर बनाए, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जाके अगर हम लोग प्ले, हमेशा ध्यान रखना कि इसके अंदर और ग्राफिक ना हो, ठीक है। हम लोग अगर यहाँ पे ग्राफिक होगा तो इसको हम लोग यहाँ से ब्रेक कर देंगे, ठीक है। देखो एक बार प्ले हुआ, देखो रुक गया है ना, इसके अंदर बाहर में फ्रेम है फिर भी रुक गया ये, ठीक है। तो एक बार प्ले होगा रुकेगा, प्ले होगा रुकेगा, प्ले होगा रुकेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का ये काम करता है प्ले वन में, ठीक है। सिंपल सिंगल प्ले मतलब ये कुछ भी नहीं करेगा, आपका एक नंबर वाला फ्रेम ही दिखाएगा। अगर हम लोग यहाँ से कॉल करा देते हैं कि हमको नहीं चाहिए एक नंबर वाला फ्रेम, हमको चाहिए 15 वाला फ्रेम, तो हम लोग 15 वाला का फ्रेम कॉल करा देंगे, तो ये कहीं पे भी रखे ये 15 वाला फ्रेम ही दिखेगा। अगर हमको चाहिए यहाँ पे F6, F6 से क्या होता है, हम लोग की फ्रेम लगा सकते हैं, ये शॉर्टकट की है। और F7 से क्या होता है, की फ्रेम को हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। F7 और F6, F6 करोगे तो की लगेगा, यहाँ पे देखो F6 कर रहा हूँ, ब्लैंक की फ्रेम लग रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई फ्रेम है नहीं, ठीक है, ब्लैंक ब्लैंक की फ्रेम लगेगा। और F7 से ब्लैंक इसको हटा देता है, ठीक है। और इसको हम लोग अगर रिमूव करना चाहते हैं तो शिफ्ट F6, इसको भी हम लोग हटा सकते हैं, शिफ्ट F6, शिफ्ट F6, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। सो क्या ना है, हम लोग अभी फ्रेम सपोज मान लीजिए आपको 15 में आपको 14 नंबर फ्रेम चाहिए है ना, 10 में 5 नंबर वाला चाहिए, अलग अलग जब हम लोग कभी ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एक एक फ्रेम तो हम लोग प्ले कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसका प्ले किधर से हो रहा है। आप देखो ये किया, आया गया आया, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग इधर से प्ले कर सकते हैं, प्ले वन हम लोग अगर देखेंगे तो देखो ये हो रहा है, हम लोग यहाँ 15 30 में किया था, इसलिए देखो वन में करेंगे तो हम लोग पता चलेगा, देखो वन में कर रहा है। अगर हम लोग इसको करेंगे तो ये लास्ट से प्ले होगा, सिंगल प्रेम है ना, प्ले वन पीछे से प्ले होगा जब तक ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये करो तो ये प्ले होता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया मोशन ट्यून, ठीक है। सपोज यहाँ से ये प्ले हम लोग करके रखा, रिपीट प्ले, ठीक है, रिपीट प्ले यहाँ से कर रहे हैं, इसको हम लोग थोड़ा छोटा करते हैं, शिफ्ट के साथ छोटा करना है और बड़ा करना होता है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग बड़ा छोटा करते हैं तो शिफ्ट के साथ करना, अगर हम लोग नॉर्मली करेंगे तो ये इसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मैथ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोग प्रॉपरली ऐसे शिफ्ट के साथ करना पड़ेगा जब हम लोग पूरा प्रॉपर काम करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, बट रोटेट करके कोई फायदा नहीं, स्क्वायर है, सर्कल है, सॉरी। तो हम लोग यहाँ से ये चीज़ को जान लिया, ये चीज़ हम लोग फ्रेम कॉपी करना भी जान लिया ना। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे इफेक्ट लगाना, कोई भी चीज़ के ऊपर इफेक्ट कैसे लगता है ना। अब हम लोग इसी के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देते हैं नन, नन जो क्या करेगा ना, कुछ भी नहीं करेगा है ना, जब हम लोग लगाएंगे फिर हम लोग जब रिमूव करेंगे तो उसको नन कर देंगे, ठीक है। ब्राइटनेस कर दिया ना, ब्राइटनेस में देखो क्या होता है, देखो आप हम लोग इसको एनिमेशन भी कर सकते हैं ना, ब्राइटनेस को अप डाउन ऐसे ऐसे कर सकते हैं एनिमेशन की लगा के, और उसमें मोशन लगा देना होगा, ठीक है। हम लोग इसमें एनिमेशन करके देखते हैं बेटर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्लासिक ट्यून दिया, सॉरी यहाँ पे हम लोग दिया इसको सिंगल फ्रेम किया, ठीक है। सिंगल फ्रेम करने के बाद हम लोग क्या किया, यहाँ पे F6 किया, F6 करके हम लोग इसको सिलेक्ट किया, इसमें हम लोग ब्राइटनेस कर दिया, तो क्या होगा ना, ये एनिमेशन होगा,
ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे फिर से एक वाला कॉपी करके यहाँ पे लाया, ठीक है, ऑल्ट के साथ आप ड्रैग करोगे तो ये कॉपी करके आगे आ जाएगा, या तो कंट्रोल सी करके कंट्रोल शिफ्ट भी कर दोगे तो एग्जैक्टली उसी पोजिशन में पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये हो गया आपका पूरा एग्जैक्टली एनिमेशन दिखाएगा, ठीक है, कंट्रोल डर करेगा तो आपको एनिमेशन दिखेगा, ठीक है। आप इसको फास्ट भी कर सकते हो ना, थोड़ा स्लो भी कर सकते हो, टाइमलाइन अगर कम कर दोगे तो फास्ट हो जाएगा, और टाइमलाइन को ज़्यादा बढ़ा दोगे तो ये स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा चीज़ों को अगर आपको ज़रूरत पड़े ऐसा कुछ बनाने का तो आप ऐसे करके एनिमेशन कर सकते हो, जस्ट लाइक मतलब गाड़ी का कार लाइट्स ब्लिंक कर रहा है ना, तो ऐसे फास्ट फास्ट दिखा सकते हैं ना, कोई पुलिस का जो साइलेंसर होता है उसका इफेक्ट हम लोग यहाँ से बना सकते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें जो बना सकते हैं। सो हम लोग ये चीज़ हो गया टेंट, टेंट में हम लोग ये चीज़ किया। अब हम लोग क्या चलते हैं ब्राइटनेस में, हम लोग ये चीज़ किया है ना, अब हम लोग टेंट में जाते हैं, ठीक है, अब हम लोग इसमें ब्राइटनेस हटाते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे हटाने के लिए, नन करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी हम लोग हटाएंगे, इसमें हम लोग नन कर देंगे, इसमें भी हम लोग हटाएंगे, इसमें हम लोग नन कर देंगे, ठीक है, तो ये हो गया। और बेसिकली कभी जब नहीं आए तो भी प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा इसके ऊपर, तो वो आ जाएगा, ठीक है, कभी कभार आता नहीं है सर, देखो ये आ नहीं रहा, जब हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा सीन, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें टेंट ऐड करेंगे, टेंट में क्या होता है ना, इसमें हम लोग अगर टेंट ऐड करेंगे, ठीक है, टेंट में हम लोग बहुत सारा कलर्स का लेके चेंजेस कर सकते हैं ना, बहुत सारा कलर्स को चेंज कर सकते हैं, ब्लर डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारा चीज़ें इसमें है ना, इसमें आप कलर के साथ बहुत कुछ खेल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे गया, यहाँ पे देन इसको सिलेक्ट किया, देन इसका भी बहुत सारा चेंज किया, ठीक है, ये हो गया, तो ये टेंट का काम करेगा बेसिकली। यहाँ पे भी हम लोग टेंट ऐड कर देंगे, टेंट में बहुत सारा चीज कर सकते हैं यार, कलर के साथ बहुत कुछ, कलर भी खेल सकता है ना, यहाँ से कलर चेंज करके मैं टिंट कर सकता हूँ, जो भी करोगे आपको एनिमेशन यहाँ पे मोशन के साथ अगर देख लगाओगे राइट क्लिक करके मोशन रिमूव भी कर सकते हो, तो ये चेंज क्लिक में करेगा, बस ये एक फ्रेम में करेगा, बट इसको अगर मोशन ट्यून दे दोगे तो ये मोशन के साथ वो चेंज करेगा, ठीक है। तो ये हो गया टेंट, अब हम सारे में एक साथ कैसे हटा सकते हैं ना, सारे में एक साथ हटा सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपको ये एक्टिव करना पड़ेगा तब जाकर हटेगा, बट ये मैं इसके बारे में बता दूंगा बाद में, ठीक है। तो इसको ऑन करके जस्ट ऐसे करके ऑन स्क्रीन को बढ़ा दोगे ना तो सारा एक साथ हट जाएगा ये, ठीक है। उसके बारे में एक साथ कलर कैसे चेंज किया जाता है ना, 10 आपको 100 फ्रेम है तो एक साथ कैसे कलर चेंज करोगे ना, एक साथ कैसे कुछ भी चीज़ का चेंज करना एक साथ में कैसे होता है, वो चीज़ हम लोग बताएंगे बाद में। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्कल को तो सीख लिया, सर्कल क्या टेंट हो गया, अब हम लोग चलेंगे एडवांस लेवल पे, ठीक है। एडवांस में क्या कर सकते हैं ना, जैसे मतलब यहाँ पे हम लोग एडवांस दे सकते हैं ना, टेंट को हम लोग एडवांस कर सकते हैं, एडवांस में क्या ना आपको ब्लर भी कर सकते हो, ठीक है, ब्लर कर सकते हो और इसका ग्रीननेस भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ है, सेम टू सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, अल्फा भी है इसमें है ना, तो ये चेंज हो गया, अल्फा भी हो जाएगा ना, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी दिखेगा नीचे, अगर कुछ दिखेगा तो अल्फा अगर चेंज कर दोगे तो अल्फा मतलब ऑपोसिटी थोड़ा सा कम हो जाता है ना अल्फा के थ्रू। और ये सब टूल आपको बता दूं कि ये सब होता है मैग्नेट टूल, को आपको पहले बताया था है ना, ये सब चीज़ जब ऑन करके रख दोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये करेगा, ठीक है, स्नैपिंग वगैरह का काम होता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली इसके थ्रू करते हैं, बट हम लोग अभी करेंगे नहीं, इसको ऑफ करके छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बारे में बताया था मैंने, जस्ट इसको क्लिक करोगे तो पूरा वाइट हो जाएगा, देन अगर आप लोग स्टेज कलर भी चेंज कर सकते हैं ना यहाँ से, बट हम लोग फिलहाल वाइट रखेंगे और इसको हम लोग ऑन करके रखेंगे, जब हम लोग काम हो जाएगा तब इसको ऑफ कर देंगे, बाकी टाइम हम लोग ऑन कर देंगे, क्योंकि हम लोग बिकॉज ऑफ स्क्रीन से बाहर भी हम लोगों को लेना पड़ता है कभी कभी शॉर्ट्स वगैरह ना, जब जूम इन जूम आउट होता है तो उसको बीजी वगैरह जो होता है उसको हम लोग बाहर से लेना होता है, जैसे लार्ज बीजी बनता है तो उसका हम लोग पैनिंग करते हैं, तो उस टाइम पे बाकी एक्स्ट्रा जो शॉट्स है वो कट जाता है, बाकी जैसे अपियर होने लगता है तो वो शॉट भी आ जाता है, एड ऑन हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग उसको देखते हैं चेक करने के लिए, बाकी ये एरिया के अंदर जितना सारा रहेगा उतना ही सारा शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा।
मोर सेटिंग में आप डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स है इसमें भी, है ना। तो ये सब बहुत सारे सेटिंग्स को आप ज़्यादा अवॉइड करो अभी, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग क्लास आगे बढ़ते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे और भी सीखते रहेंगे, ठीक है। एडवांस लेवल पे कैरेक्टर कैसे रिग्ड होता है ना, सब कुछ बताएंगे, बट आप स्टेप स्टेप लेके चलिए तो आप अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। बेसिकली हम लोग ये चीज़ बताया जिन्हें, मोशन और टिंट वगैरह हो गया। अब आते हैं अल्फा में। अल्फा में हम लोग पहले क्या करते हैं ना, इसको हम लोग बेसिकली कोई भी हम लोग नॉर्मली एक इसका मोशन ट्यून हटा देते हैं ना, मोशन ट्यून हटा देते हैं पहले सारा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ एस करो प्रेस तो सारा हट जाएगा इसका, शिफ्ट के साथ एस आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्लिक किया, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले मोशन अप्लाई करेंगे, राइट क्लिक करके क्रिएट मोशन ट्यून, हम लोग यहाँ से राइट क्लिक करके रिमूव करके फिर हम लोग यहाँ से क्रिएट मोशन ट्यून भी दे सकते हैं हम लोग, बट क्लासिक ट्यून ट्यून यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओपोसिटी डाउन करेंगे। तो यहाँ से बी प्रेस किया, देन अल्फा किया। अल्फा में देखो यहाँ पे 0% है, हम लोग यहाँ परसेंटेज के हिसाब से हम लोग रख सकते हैं। ये जब हम लोग ऑपोजिट काम करेंगे ना, जैसे चश्मा हो गया, चश्मा बनाने का काम आएगा ना, नीचे कुछ अगर हम लोग रखेंगे ना, तो जैसे जस्ट लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरा लेयर ले लिया, इसको नीचे लाया ड्रैग करके, सपोज मान लीजिए कुछ भी एंगल रखा हम लोग, ठीक है, इससे पता चल जाए आपको, देखो दिख रहा है। अगर हम लोग इसमें ऑपोजिटी डाउन करेंगे ना तो नहीं दिखेगा, ये देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जस्ट हम लोग इधर आ रहे तो धीरे धीरे करके दिख रहा है, देन हट जा रहा है, कुछ ऐसे काम आता है। जब हम लोग नीचे आईज रख के, आईज को रख के ना, हम लोग जब चश्मा के ऊपर रखते हैं तो ये वाइट कलर का लेके थोड़ा सा ऑपोजिट काम कर देते हैं, ताकि वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी दिखता रहे, लगभग अराउंड इतना भी रख सकते हो, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं ना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देख से दिखा सकते हो, ताकि ट्रांसपेरेंसी बहुत सी चीज़ों में काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा, ठीक है। अल्फा मीन्स मतलब ये ट्रांसपेरेंसी हो जाता है, ठीक है। और ये आप मोशन के थ्रू आप इसको एनिमेशन भी दिखा सकते हो। तो हम लोग बेसिकली चलते हैं, यहाँ पे कैमरा भी है टाइम लाइन पे, बट हम लोग इसको यूज़ बाद में करेंगे धीरे धीरे। बहुत बहुत सारी चीज़ें, फॉलो चार्ट है, कैमरा है, ग्राफिक्स है, ग्राफ एडिटर है, तो हम लोग उसको धीरे धीरे करके कवर करेंगे जैसे जैसे हम लोग बनाते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको मोशन हटा दिया, रिमूव ट्यून, ठीक है। हम लोग एक दो लेयर लिया, ठीक है, तो एक लेयर का हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, फोल्डर नहीं लेना है हम लोगों को। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है, यहाँ पे जैसे कुछ भी ऑब्जेक्ट रहेगा ना, कुछ भी मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, सपोज मान लीजिए ये ड्रॉ किया, कंट्रोल जी कर दिया ना, तो ये तीनों का काम देखो, ये अगर हम लोग करके रख देंगे तो यहाँ पे नीचे आपको मार्कर देगा एक, ठीक है। मार्कर का कलर चेंज भी कर सकते हैं ना, मार्कर का कलर आप लोग सपोज चाहिए रेड, तो रेड ओके कर दोगे तो रेड हो जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग कभी ज़रूरत पड़ता है, जब हम लोग 10 लेयर होता है ना, जैसे हम लोग 10 लेयर होता है, तो इसको मार्किंग करने के लिए जस्ट कौन लेयर पे आप लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक काम कर रहा है और आप 200 फ्रेम पे चले गए हो, ठीक है। जब हम लोग ये फ्रेम बढ़ा देंगे ना, तो हम लोग ये जो है ना, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा यहाँ पे ऐसे करके कि कौन सा लेयर पे काम कर रहे हैं, आप देख नहीं पाओगे ना। तो हम लोग ये मार्कर लगा देते हैं ना यहाँ पे, जैसे ब्लू मार्कर है, तो आपको इजीली इसमें पता चल जाएगा कि हम लोग इसमें काम करना है। यहाँ पे आप लेयर का नेमिंग चेंज कर सकते हैं, आई इसका रख सकते हो आप, एंड एंड इसका एंड अदर अदर ऐसे करके आप लेयर का नेमिंग भी कर सकते हो, और इसका हम लोग मार्कर भी ऐड कर सकते हैं ना, बट हमको इसमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखो फ्रेम ऑफ हो जाएगा, बट ये टेम्पररी ऑफ होगा, कंट्रोल डर में दिखिएगा। जब आपको काम करते हो ना, जब हम लोग जैसे बहुत सारा फाइल्स है, बहुत सारा चीज़ें हैं, तो हम लोग उसको कभी कभार हाइड करके भी काम करते हैं, ताकि वो दिखे ना, बट हमको डिस्ट्रैक्शन ना हो बोल के, जैसे उस चीज़ को हम लोग हाइड कर देते हैं ना, हाइड करते। और इसमें भी एक कंट्रोल भी करो, इसमें भी कंट्रोल भी करो, ठीक है। देखो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कौन सा किस में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, बाकी को हाइड कर देंगे, इसको खाली हम लोग देखेंगे इसमें काम करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग डायरेक्टली ऑफ भी कर सकते हैं ना, आप इसको वायर फ्रेम भी कर सकते हो, वायर फ्रेम करके भी काम कर सकते हैं ना, और इसमें लॉक भी कर सकते हो, बाकी जरा लॉक कर दो, है ना, इसमें काम कर सकते हो, बाकी हिलेगा नहीं, है ना, कुछ भी चीज़ होगा तो वो मूवमेंट नहीं करेगा।
ये बेसिक चीज़ है। तो लाइन आप टाइम लाइन को F5 से बढ़ा सकते हो, शिफ्ट F5 से घटा सकते हो, है ना। इसमें आपको घट जाएगा, है ना, जो भी चीज़ें यहाँ से सेलेक्ट करके घट जाएगा। देखो यहाँ सेलेक्ट करके आप F5 कर दो, बढ़ जाएगा, है ना। ऐसे करके बढ़ा सकते हो आप। ये चीज़ बेसिक चीज़ को आप बहुत ज़्यादा नोटिस में रखिए। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो टाइम लाइन का वो स्लॉट्स, ठीक है। और बाकी ये जो है ना, ये स्टेज को आपको बताया था पहले, स्टेज घुमाता है ना, देन इसको हम लोग नॉर्मल पोजिशन में लेके आते हैं ना। और बाकी सारा ये स्क्रीन साइज़ आप 100% में देख रहे हो ना, स्क्रीन का कितना परसेंट में देख रहे हो वो चीज़ का है। 100% में एक्चुअल क्वालिटी होता है, जो एक्चुअल हम लोग बना रहे हो 100% में हम लोग देखना होता है। और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ से हम लोग सीन ले सकते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट सीन्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये बताता हूँ, यहाँ से देखो सीन ऐड करोगे, सीन 1, सीन 2, सीन 3 करके। देखो हम लोग अगर और भी लेके सीन 2 कर दिया, सीन 2, सीन 3, स्टेट सीन 3, सीन 4, सीन 5, ऐसे करके हम लोग सीन नेमिंग देते हैं जब हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट में काम करते हैं। और ये जब हम लोग कंट्रोल एंटर करेंगे, सारा एक साथ प्ले होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक प्ले होगा। तो आप लोग एक सीन 1 में क्या कर रखे हो, सीन 3 में क्या कर रखे हो, सीन 4 में क्या कर रखते हो, सीन 5 में क्या कर रखते हो, सीन 6 में क्या कर रखते हो, सीन 7 में क्या कर रखते हो, सारा मतलब आप एक के बाद एक, एक के बाद एक सीक्वेंस में जाएगा। क्योंकि हम लोग एक टाइम लाइन पर हम लोग मैक्सिमम 15,000 तक हम लोग एड ऑन कर सकते हैं, बट 15,000, 10,000 में आपका हैवी हो जाता है फाइल्स। सो हम लोग 5,000 करके एक एक सीन में हम लोग एड ऑन कर सकते हैं मैक्सिमम। अगर हैवी सीन होगा तो उससे भी कम में आपको हैवी हो जाएगा सॉफ्टवेयर। अगर आपका PC अगर अच्छा है तो आपका ठीक है, आप हैवी साइल में काम कर सकते हो। अदरवाइज छोटी छोटी सीन में काम कीजिए और कंट्रोल एंटर के साथ प्ले कीजिए, सारे सीन का रिजल्ट एक बार में आ जाएगा, ठीक है। और ये सीक्वेंस वाइज ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ से फाइल को हम लोग क्लोज भी कर सकते हैं ना, यहाँ से डायरेक्टली हम लोग फाइल को क्लोज कर सकते हैं ना। ये पूछ रहा है कि सेव चेंज करना चाहता है, अगर यस करके आप लोग सेव चेंज कर दोगे तो सेव चेंज हो जाएगा नेमिंग करके ना। अगर कैंसिल करोगे तो आपको, जैसे सपोज मान लो ऐसे हो गया, आप कैंसिल करना चाहते हो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। और ये हो गया नो चेंज, अगर मैं सेव नहीं करना चाहता हूँ नो कर दीजिए तो ये डायरेक्ट बंद हो जाएगा। देन हम लोग फिर से आएंगे HD में, इसका पहले प्रॉपर्टी चेक करेंगे, प्रॉपर्टी कितना है। देखो 1920x1080, यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं हम लोग, लॉक कर देंगे तो ये एक्यूरेसी में ये बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग वाइट कर देंगे, ठीक है, ये हो गया, इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। तो ये कुछ चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसका टाइमलाइन, टाइमलाइन को हम लोग हाइड भी कर सकते हैं कंट्रोल ऑल टी के साथ। जितने कंट्रोल ऑल टी के साथ हम लोग इसको हाइड करके काम कर सकते हैं, जब हम लोग शॉर्टकट की यूज़ करना जान जाएंगे तब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल F2 से ये हट जाता है देन आता है, ठीक है। कंट्रोल F2 करके भी रखते हैं ना, कंट्रोल F3, ये लाइब्रेरी के शॉर्टकट की है, ठीक है। और ये F4 है, F4 से भी सारा कुछ हट जाता है एक बार में, ठीक है। अगर टीम लाइन भी रहेगा, ये भी रहेगा, F4 कर दो सारा हट जाएगा एक साथ, ठीक है। तो ये करके भी हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं, ऐसे करके सब कुछ काम किया फिर हटाया, काम किया फिर हटाया, है ना, ताकि आपका स्पेस मिल जाएगा काफ़ी सारा। तो हम लोग फिलहाल क्लोज किया, देन लोग अभी चलते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बताऊंगा कलर के बारे में, है ना, कलर फिल कैसे करते हैं ना। ये देखो ये दो चार चीज़ हम लोग कलर के बारे में बताएंगे। ये तीनों को हम लोग ब्रेक कर देते हैं ना, ताकि कलर, अब वो हम लोग कलर में जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, आपका लीनियर में देगा, मतलब ये ग्रेडियंट लीनियर में, ये रेडियल में देगा, ठीक है। ये रेडियल में, ये देखो ये रेडियल में सर्कल में देगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐप के थ्रू हम लोग इसको चेंजेस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट में, ठीक है। इसको भी हम लोग अगर ऐप प्रेस किया तो इसका हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाकर सेंटर में पकड़ोगे तो इसका ये चेंज कर सकते हो, इसका पोजिशन रोटेट करोगे तो रोटेट भी हो सकता है ना, किसी भी एंगल में हम लोग सेट कर सकते हैं इसको। देन यहाँ से हम लोग क्लोज भी कर सकते हैं, कि ऐसा हम लोग दिखाना है, कि ऐसा दिखाना है, कि डिफरेंस और भी कुछ चेंजेस कर सकते हो आप।
इसको भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं ना, कोई भी पोजिशन में हम लोग लगा सकते हैं, आप कॉर्नर से भी दिखा सकते हैं ऐसे करके, है ना। सो हम लोग सेंटर में रहने दें, देन यहाँ से आप सर्कल को बड़ा छोटा कर सकते हैं ना, इसका एनिमेशन भी कर सकते हो आप, और ये रोटेट कर सकते हैं ना। अब हम लोग जाएंगे, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं ना, ब्लू हो गया। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे विंडो कलर, यहाँ से हम लोग इसका चेंज भी कर सकते हैं कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर में रख के हम लोग यहाँ से चेंज कर देंगे, ठीक है। विंडोज देन कलर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं ना, बहुत सारा कलर भी ऐड कर सकते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट जितना आप चाहते हो उतना आप यहाँ पे कलर ऐड कर सकते हो, तो ये वेरिएशन आ जाएगा बहुत सारा चीज़, है ना। ठीक है, और ये हो गया हम लोग नॉर्मली जो हम लोग ये दे डिफॉल्ट में दे रखा है उसको हम लोग चेंज किया, बट ये फ्लैट कलर भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये कलर का हम लोग ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो कलर का भी आप जैसे ये रेडियल बना रखे हो तो इसका भी आप लोग एनिमेशन कर सकते हैं ना, मोशन देखिए आप करके देखिएगा, बहुत अच्छा मतलब इसमें लाइटिंग होता है, आप पूरा स्टेज को लेके बना सकते हैं ना, ऐसे करके पूरा स्टेज को आप लोग बड़ा करके ऐसे करके बना सकते हो। आप काफ़ी सारा चीज़ जैसे मैंने एफ किया ना, इसको थोड़ा सा ये किया हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे ठीक करेंगे। जैसे हम लोग इसको इनपुट ये ले लिया, हम लोग रेडियल ले लिया, देन एफ किया, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो इसका हम लोग कलर ले लिया, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो वो एक सेकेंड सॉरी, इसका हम लोग पहले ब्रेक किया हुआ है, इसका कलर डिलीट कर दिया एफ, अच्छा इसको भी नोट ऐड कर दिया ना, ये लिया कंट्रोल पेस्ट एफ किया, इसका कलर अच्छा, यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर इशू हो रहा होगा आई थिंक, इसकी वजह से नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। पहले एफ किया है ना, यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम लोग एनिमेशन भी कर सकते हैं ना, जस्ट लाइक ऐसे, इसको हम लोग शेप में करना पड़ेगा तब जाके होगा एनिमेशन। इसको एफ किया, ठीक है, देखो हो रहा है ना, इसको आप डिफरेंट ये में डायरेक्शन में दीजिए, है ना, देखो ये मोशन हो रहा है ना। बाकी आप इसको बाद में बताऊंगा, स्लो इन स्लो आउट का बोला था मैंने, ठीक है। तो ये हो गया मोशन ट्यून का एनिमेशन, आप डिफरेंट डिफरेंट कलर का लेके आप एनिमेशन प्रेजेंटेशन बनाइए, ठीक है, कलर को और भी अच्छा अच्छा कलर बना के उसका एनिमेशन करिए, ठीक है। फिलहाल हम लोग इस लेयर को डिलीट करते हैं, डिलीट, ठीक है। हम लोग आप ब्लैक स्क्रीन लेके, ब्लैक स्क्रीन जो रहेगा ना उसके ऊपर आप इस टाइप का कलर इफेक्ट कीजिएगा, कितना अच्छा आउटपुट निकलेगा, है ना। जस्ट लाइक मैंने मैंने ब्लैक इसका को दिखा देता हूँ, स्ट्रोक कंट्रोल है ना, इसको हम लोग ब्लैक रखते हैं ना। अब अगर हम लोग देखना ये लिया, ठीक है, देखो कितना अच्छा निकल रहा है ना, इसका डुप्लीकेट लिया है ना, रेड लिया, इसका आप कितना अच्छा एनिमेशन कर सकते हो छोटा बड़ा करके, है ना। और भी बहुत सारा कलर ऐड कर लेना, मैं आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ इसमें, और भी डिफरेंट डिफरेंट साइज रखना है ऐसे करके, बहुत अच्छा निकलेगा आउटपुट, ठीक है। जब आप एनिमेशन करोगे एक साथ टिमटिमाटा और तारा या कोई मतलब डिफरेंट बहुत सारा इफेक्ट आएगा इसमें, ठीक है। बट इसको आप लोग कंट्रोल शिफ्ट डी कर लेना, एक ही लेयर पे मत कर लेना, इसको कंट्रोल शिफ्ट डी करोगे तो ये लेयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सारा लेयर आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग सेपरेट लेयर पे इसका। इसमें क्लासिक ट्यून मत लगाना, इसमें सेफ ट्यून लगाना, ठीक है। सेफ ट्यून राइट क्लिक करके जस्ट सेफ ट्यून आ जाता है, इसमें सारा लेयर आपको यहाँ से स्क्रॉल करोगे ना तो पूरा सारा लेयर यहाँ से देख सकते हो,
और एक एक सिलेक्ट करके भी आप इस लेयर पे, जैसे सिलेक्ट करोगे उस लेयर पे आ जाएगा, ठीक है, उस लेयर पे आप काम कर सकते हो। कंट्रोल डी, शिफ्ट नॉर्मल डी डिलीट कर देना, डिलीट हो जाएगा।